Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के किस्से से। 98 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 7 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 294 पर। कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। ये बहुत दिनों के बाद है कि एक्टिव केसेस के अंदर जो न्यू पॉजिटिव केसेस हैं 98 के करीब पहुंच चुके हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि काफ़ी रैंडम टेस्टिंग चल रही है। कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में टेस्टिंग की जा रही है, जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। और हमारी गुजारिश है कि जिन जिन को भी कोविड पॉजिटिव आया है वो और अपने घर पर हैं, तो प्लीज़ अपने घर पर रहें और अपने आप को आइसोलेट करें। इस बीमारी को लाइट लेकर आप बाहर ना निकलें और अपने आप को आइसोलेशन में रखेंगे तो ये स्प्रेड बढ़ेगा नहीं। कल हम आपको डिटेल्स देंगे कि सिटी के अंदर कितने केसेस हैं और आसपास में कितने करीब केसेस हैं। ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि सिटी के अंदर 60 के करीब केसेस हैं आज के। तो देखना ये होगा कि ऑन ग्राउंड पर एक सारा मामला कैसा है। कोविड 19 को चलते हुए डॉक्टर सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर का क्या कहना है। कर्नाटक फिलहाल के लिए तैयार है कोविड 19 के थर्ड वेव के लिए। उन्होंने कहा कि आईसीयू बेड जो थे पहले 725 थे, अब वो 3800 प्लस हो चुके हैं। पहले ऑक्सीजन बेड्स 4800 थे, अब वो 28000 के करीब हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो प्री कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट था वो 320 मेट्रिक टन था, इस बार अब 1200 मेट्रिक टन तक तैयारी की गई है। साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर जो 2180 थे वो 13000 के करीब कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं सभी मामलों में तैयारी की गई है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहले 585 थे, अब 6500 के करीब हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि कई सारे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल्स तैयार हैं अगर ऐसा कोई मामला पेश आता है तो। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे कंट्रीज़ के अंदर अचानक से वेव आई, एक पीक पर चली गई और जल्द से जल्द थम गई। जैसे वो डेनमार्क रहने दो, यूके रहने दो, इस तरह का मामला उन्होंने बताया। जहाँ पर एक तरफ कोविड 19 की बात चल रही थी, इसी तरफ कर्नाटक के अंदर सबसे अहम बात अगर हम बात करें तो डीके शिवकुमार की ये रैली जो पदयात्रा है जो मेकुदेता प्रोजेक्ट के लिए की जा रही है। मेकुदेता प्रोजेक्ट जो कावेरी के ऊपर डैम बनाने की बात चल रही है, जहाँ से बेंगलुरु और आसपास डिस्ट्रिक्ट्स को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ये काम किया जा रहा है। डीके शिवकुमार ने कहा कि कोविड 19 केसेस को बढ़ाया जा रहा है इस पदयात्रा को रोकने के लिए। उन्होंने कहा कि इस मामले अगर हमें अरेस्ट भी किया जाता है तो हम तैयार हैं। वीकेंड कर्फ्यू रहने के बावजूद भी वहां पर कई सारे लोग मौजूद थे, जिसके अंदर कांग्रेस सीनियर लीडर्स सिद्धरमैया और साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कई सारे सीनियर कांग्रेस फेसेस भी नजर आए और इस प्रोजेक्ट को हिम्मत दिलाई कि मेकुदेता प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। और अपोजिशन के तौर पर बीजेपी भी काफ़ी उन्होंने प्रेशर डाला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के ये वक्त पे इस तरह की पदयात्रा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये पदयात्रा काफ़ी सुपर स्प्रेडर हो सकती है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि कांग्रेस के जो ये प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस में उन्होंने CON कौन यूज़ करा है, जाके एक तरीके का टॉन्ट देते हुए कांग्रेस को कि कांग्रेस के डीके शिवकुमार जब खांसे नज़र आ रहे हैं, उस वीडियो क्लिप को काफ़ी वायरल किया जा रहा है। कह रहे हैं कि डीके शिवकुमार कहीं ना कहीं कोविड के सिम्टम्स में है। इस तरह का बैटल चल रहा है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि पॉलिटिक्स अपनी तरफ एक अलग रखें और लोगों की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि आम जनता इसमें पीसी जा रही है। वीकेंड कर्फ्यू किस तरह से रहा, लोगों की क्या राय थी, हमारी गुवाहाटी टीम ऑन ग्राउंड थी और हम लोगों कई लोगों से राय ली। एक तरफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपना काम कर रहे हैं, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तैयारी कर रहा है, तीसरी तरफ जो जनता है वो परेशान है। वो कह रही है कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा, हम काफ़ी परेशान हैं। तो ये सारी परेशानियों को गुवाहाटी ने कवर किया है। आई नजर डालते हैं। लॉकडाउन क्यों हो रहा सर? लॉकडाउन की वजह क्या है सर? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन हुआ तो करो कैसा खाना सर? क्या ठीक मांग रहा क्या सर? लॉकडाउन होना सर जरूरी है। वहाँ यहाँ पूरा कर्नाटक में पेशेंट ज्यादा आ रहे, महाराष्ट्र में आ रहे, आंध्रा में आ रहे, तमिलनाडु में आ रहे। और वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, वीकेंड कर्फ्यू में 2 दिन छुट्टी है। ये आदमी 300 से 400 रुपए पर डे मजदूरी कर को कमाने वाला, इसका 2 दिन का नुकसान कौन देने वाला है? गलत है सभी भैया। नहीं, ये पहले लगाना बोलो तो गवर्नमेंट क्या पैकेज ये करना है। हमारा होटल है साहब, 3 साल से सेठ लोग किराया नहीं छोड़ते, बहुत लॉस हो रहा है सर लॉकडाउन की वजह से। हमारे को हम बेचा किरे तला मार के चले।
ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಜೀವನದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರಪ್ಪ ಯಾರೀ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ ಹ್ಯಾಂಗ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇದು ತಾಯಂದಿ ನೋಡು ಒಬ್ಬರಿಬ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಬರಾಗರತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲೇ ಆಚೆಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ. अगर आज आप गूगल सर्च करे होंगे तो गूगल पर ये डूडल आपको नजर आई हुई, जहां पर आपको ये लेडी नजर आ रही है। कौन है ये लेडी? ये लेडी का नाम है फातिमा शेख और गूगल ने उन्हें ऑनर किया है एज फेमिनिस्ट आइकॉन एजुकेटर। जी हाँ, इस डूडल के हिसाब से उन्होंने बनाया गया है। ये इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर हैं जो डूडल पर आई हैं। जी हाँ, फातिमा शेख अलॉन्ग साइड फेलो पायनियर सोशल रिफॉर्मर ज्योति राव और सावित्रा बाई फूले ने फाउंड किया था इंडिजिनियस लाइब्रेरी 1848 में, जो कि इंडिया के फर्स्ट स्कूल बना था गर्ल्स के लिए। फातिमा शेख जो कि 1831 को पूना में यानी आज के दिन पैदा हुई थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी अपने भाई उस्मान और अपनी बहनों के साथ एक खुले घर में, जहां पर आगे चल के फूले और उनके दोस्त ने ये घर को इवैक्यूएट किया और यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट किया लोअर कास्ट के लिए। यानी फातिमा शेख ने अपनी सारी चीज़ें दे दी ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, लोअर कास्ट के लोगों को भी इक्वल एजुकेशन दिया जाए और साथ साथ लेडीज़ पर एजुकेशन की प्रेफरेंस दी जाए। सावित्राबाई फूले और फातिमा शेख ने कई सारे कम्युनिटीज़ को पढ़ाया, जिसके अंदर दलित, मुस्लिम वुमेन और चिल्ड्रंस भी शामिल थे, जिन्हें एजुकेशन नहीं मिल रहा था क्लास, रिलीजन और जेंडर के बेसिस पर। फातिमा शेख के इसी एफर्ट को गोहैच भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और हमने भी इस शॉर्ट वीडियो को बनाया है। इस वीडियो को जरूर तो शेयर करें और फातिमा शेख के इस अचीवमेंट्स को जरूर हाईलाइट करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं शंकर की स्टोरी। शंकर एक हैंडीकैप फिजिकली चैलेंज, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं क्योंकि ये स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, ये अपनी माता जी की ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर रहे हैं और ऐसे वैसे वो भीख मांग कर या लोगों से मांग कर या झोली फैला कर नहीं मांग रहे, बल्कि खुददारी से खाना पका कर अपनी ट्राईसाइकिल पर निकल चुके हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां पर वो लोगों को खाने दे रहे हैं ₹20, यानी कि एक अफोर्डेबल रेट जहां पर आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। शंकर के इस ज़बरदस्त काम को हम सराहते हैं, गोहैश भी शंकर को सलूट करता है। हमारा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया शंकर के ऊपर, आइए उसे देखते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गोहैश गुलबर्गर। आज हम मिलते हैं शंकर से, जो कि शाहबाजार के रहने वाले हैं। ये हैंडीकैप है, जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, यानी कि जो कि एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है। इन्होंने औरों की तरह हार नहीं मानी, ना ही वो दूसरों की तरह रोड साइड पर मंग रहे हैं, ना किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं। उनकी खुददारी को हम सलाम करते हैं। एक काम करने का अच्छा है, भीख मांगे तो ₹1 देते हैं, 10 बात करते हैं, बैठे जाग में गरीबों को दे रहे हम। ऐसा वोटों को क्या ये नहीं करने के लिए, हमें नहीं कर रहे, पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है क्या, नई साइकिल में आके हम ऐसा करके गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं। हम थोड़ा घर में हमारा थोड़ा मम्मी थोड़ा परेशान पे है, इसलिए मैं हम थोड़ा घर 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 में बना के रोटी और दाल चपाती और ये चटनी और बना के लाते, सबको ₹20 में दे रहे हैं सब। हाँ, सबको ₹20 में बेच रहे साहब। रोज होते साहब 200-250-500 रुपये होते हैं साहब। 500 है तो हमारे को ₹100 देते, ₹400 घर में देना। हम 200-250 रुपये तक करें तो हमको ₹50 देते रोज। हम यहाँ मार्केट में थोड़ा राउंड मार रहे हैं, अब लाख तो नहीं बोल के। हमारा पास देखो साहब सब्जी है और वो पिंक कलर चटनी है और ये दाल है, मिट्टा वो का ये दाल मिर्ची दाल ऐसा दाल हो और सप्पम बैली वैसा है। गाड़ी दिया, वो पेट्रोल डालने के लिए पैसा नहीं है क्या, आप नई साइकिल में आके हम ऐसा करके गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं। ऐसा क्या तो करे तो 50-100 रुपये मेरे तो इसको साइकिल लेके गाड़ी को डालते हैं सर। बैठे जाग में गरीबों को दे रहे हम ऐसा वोटों को क्या ये नहीं करने के लिए, हमें नहीं कर रहे। हमारा गरीबों को रोड में बैठे सो वाला हूँ, ₹20-₹10 दिया तो भी उसको दे सकते हम पर। एक काम करने का अच्छा है, भीख मांगे तो ₹1 देते, 10 बात करते, ऐसा नहीं करना। ऐसा करे तो बात बहुत गलत क्यों कर रहे हैं, वो गलत किया तो हम गलत हो रहा, हम बोल गया ऐसा नहीं करना, बोल गया ये कर रहे हैं तो बोला। GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल। जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर। सो प्लीज़ डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम जरूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions।